ये जो है ना इसमें 6 प्लम्बिंग टूल्स है, इसका आप आइडिया बताइए इसमें 6 प्लम्बिंग टूल्स है कितना प्राइस जाएगा, इसमें मतलब कितना प्राइस हो सकता है। चलिए अगर आइडिया नहीं लगा सकते हो हम खोल के दिखाते हैं, और आइडिया में आप लगाइएगा फिर हम बताएंगे भी इसका प्राइस कितना है। 6 प्लम्बिंग टूल्स है, इसे हम पहले फाड़ लेते हैं। भाई साहब लगता है अनबॉक्सिंग करने में आधा घंटा निकल जाएगा। ये जो आप देख रहे हो 6 टूल्स है। अब ये टूल्स हम भी देखे नहीं है, ये कैसा है पहली बार हम भी देख रहे हैं, लेकिन है किस कंपनी का, नाइपेक्स कंपनी, मालूम है आप लोगों को नाइपेक्स कंपनी। एक बॉक्स देख रहे हो ना आप, इस सब में टूल्स है एक एक, ये देखिए ये दो निकला भाई साहब, एक है तीन है, एक छोटा सा टूल्स है और एक छोटा सा टूल्स है और एक टूल्स है, ठीक है। ये तो आपको दिखाई दे दिया डायरेक्टली, ये क्या है पोपट पाना, इसका नाम लेकिन अलग है, हम लोग पोपट पाना बोलते हैं, ठीक है, इसे हम दिखाएंगे। इसका प्राइस कितना होगा आप आइडिया से बताइए, बस इतना सामान है इसके अंदर और कुछ नहीं है, इतना सामान का प्राइस कितना होगा वो आप बताइए। पाइप कटर, ये भी पाना है, बस ये दो चीज निकल गया, तीन मटेरियल निकल गया। आप ये जो है बड़ा खजाना है, क्या सोचेगा यार, जैसा मोबाइल होता है ना आईफोन वगैरह सेम वैसे ही है यार, बड़ा बड़ा बॉक्स है। यहाँ पर आपको यार बहुत मस्त चीज दिया है, देख लीजिए, ये कटर है एक, और ये किस कटर है वो भी दिखाया, और साथ में आपको डेमो भी दिया है, मतलब ये जो है ना आप देख रहे हो यहाँ पाइप भी दिया है आपको कटिंग करके दिखाने के लिए, साथ में मुझे अलग से पाइप और लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी मैं लेके आया था यहाँ फेंक कर रखा हूँ, फिर भी मैं क्या है ये है तो और वो दिखाऊंगा नहीं, इसमें से मैं कटिंग करके दिखाऊंगा। और इस सबका प्राइस आप आइडिया लगा सकते हो कितना है, चलिए इससे भी हम फिलहाल नीचे फेंकते हैं। ओके ये हो चुका है एक, आप इसका देखिए यहाँ पर नाइपेक्स है और इसका कुछ कैटलॉग वगैरह भी दिया है, ठीक है। वो भाई साहब ये कोपार का है, मतलब ये अगर मैं भंगार में भी बेचूंगा 200-300 आ जाएगा इसका, ये टूल्स के साथ आया है। और ये है उसका कटर, इसे तो जरूर काटेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से कटिंग होता है, हम भी कभी काटे नहीं है इस टूल के साथ इस कोपार पाइप को। ये है आखिरी, सॉरी यहां से खुलेगा, ये भी कोपार कटर है, सेम है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। ओके यहाँ पर 6 पाना रेडी है, अब ये 6 पाना जो है थोड़ा अलग अलग सब यूनिक पाना है, ठीक है, देखिएगा। ये जो है क्या मालूम है, ये पाइप रेंच है, पाइप रेंच हम लोगों का 14 इंच जो पाना होता है, सेम वैसा सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा अलग है, जैसा स्क्रू पाना है सेम है, लेकिन इसे आप ऐसे देखिए ऐसे करोगे नहीं आएगा, इसमें आप देख रहे हो यहाँ छोटा सा एक नट है, ये छोटा सा नट को जो है ना आपको इस तरीके से प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस करके आप इसे आगे पीछे जहाँ भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा यूनिक सिस्टम है, लेकिन इसका मैं काम तो करके दिखाऊंगा आपको, ये कैसा बेनिफिट रहेगा आने वाला टाइम में वो दिखाऊंगा। और ये है कोबरा क्विक सेट, मतलब हमारे जैसा पोपट पाना होता है सेम वैसे ही है, लेकिन इस सबका एक चीज मुझे अच्छा लगा, इसका लेंथ आप देख लीजिए कितना बड़ा है, मतलब आप यूनियन 1 इंच 1.5 इंच का यूनियन भी जो है ना इसमें टाइट हो जाएगा, इतना बड़ा है इसका साइज, देख रहे हो 2 इंच से भी ज़्यादा है। और इसमें भी सेम ऐसा है, ये स्क्रू पाना है, आप कनेक्शन पाइप वगैरह टाइट दे सकते हो, और कनेक्शन पाइप क्या बहुत सारा जो भी नट वगैरह का सिस्टम है इसमें आप आराम से टाइट दे सकते हो, और ये बहुत स्ट्रांग है, स्क्रू पाना से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप अगर 1 mm 2 mm में रहेगा ना वही चीज़ में आप पकड़ के टाइट करने में बहुत आसानी होगा। लेकिन एक चीज़ है आपको ये जो है प्लेस होना चाहिए, ये थोड़ा बड़ा है, स्क्रू पाना से थोड़ा सा बड़ा है, उस सिस्टम से हर जगह में काम में आ जाएगा, आपको देखना पड़ेगा। बाकी आप ये जो देख रहे हो ये कोपार का कटर है, कोपार, ओके चलिए हम इसमें छोटा में, ये जो आपका बड़ा कटर है, बड़ा कटर में आप छोटा पाइप भी काट सकते हो, बड़ा पाइप भी काट सकते हो, इसका आप साइज देख लीजिए 76 mm तक है, देख रहे हो 76 mm जैसा साइज है, मतलब आप 3 इंच का पाइप तक इसमें काट सकते हो। अब चलिए हम पहले छोटा कोपर में कटिंग करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम भी पहली बार कर रहे हैं, इसका जो सेट है ये देख लीजिए ऐसे आगे पीछे तो होएगा,
आपको पीछे करने के लिए ये बटन है, बटन क्लिक करिए ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाकी ऐसे हो जाएगा ठीक है। और टाइट करने, कटिंग करने के लिए कैसे होना है, इधर रखिए आप और इसे सटाइए। सटाने के बाद ये जो नट है, इस नट को आपको घुमाना पड़ेगा थोड़ा, ओके नट जाएगा जाएगा ऑटोमेटिक टाइट हो गया। टाइट होने के बाद इसे आप घुमाइए, देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं गया, मतलब अगर कॉपर पाइप मैं एक्सो ब्लेड से काटूंगा जरूर ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी जल्दी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। हाँ ये लेकिन पौने इंच का है आपका, 3/4 का है, तो इसमें आपका क्या है थोड़ा जल्दी हो गया। इसमें आपका हाइस्ट जो है देख लीजिए 25 mm तक होगा शायद, कितना mm है यहाँ पर देख लीजिए, 6 mm to 35 mm है। चलिए ये कितना का है, ये लगभग 2 inch का है, लगभग नहीं ये 2 inch का कॉपर पाइप है। आप इसमें भी सेम सिस्टम है, इसे आप आगे पीछे कर सकते हो, ये दबा कर रखिए पीछे होएगा, मतलब दबा के आपको पुशिंग मी ओके। अब चलिए हम इसमें पाइप रख देते हैं बड़ा वाला, ठीक है। आप इसे हम प्रेस किए हैं, अब प्रेस करने के बाद इसे हम टाइट कर लेते हैं ओके। थोड़ा सा कम टाइट करती है क्योंकि बड़ा पाइप है, आप यहाँ पर आप देखिएगा ऊपर, हाँ कटिंग कर लेते हैं, शायद हम उल्टा घुमा रहे हैं, ये भी हो सकता है, हम इस साइड एक घुमा के देखते हैं। हाँ इस साइड इजी हो रहा है, राइट ओके। एक हम ट्राई किए हैं, थोड़ा सा टाइम गया है, लगभग 1 मिनट चले गया 2 इंच का पाइप काटने में ओके। तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सॉरी मतलब इसे हम फिर से एडजस्ट करके लगा लेते हैं ओके ओके डन। इसे और थोड़ा इतना कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। आप इसे हम उल्टा साइड घुमाएंगे, पहले उस साइड घुमा रहे थे, आप इस साइड घुमाएंगे, इस साइड घुमाने, हाँ इधर से ईजी हो रहा है कटिंग करने में। जो सच है सच है, कॉपर का पाइप पहले कभी कटिंग नहीं किए है, आप कर रहे हैं लगता है जिम में जाना पड़ेगा। हाँ भाई सही है सही है, आप 2 इंच का कॉपर का पाइप अगर इसमें मुझे 30 सेकंड हाइस्ट जाता है तो ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, बहुत अच्छा है बहुत फास्ट है। 30 सेकंड 2 इंच का पाइप आप एक्सो ब्लेड में काटोगे, कॉपर का पाइप ज़्यादा जाएगा टाइम और परफेक्ट स्ट्रेट नहीं कटेगा। आप इसका फिनिशिंग देख लीजिए, देख रहे हो पूरा स्ट्रेट है, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट कटा है। तो दोनों कॉपर का जो पाइप है, ये दोनों का प्राइस कितना है मालूम है, एक का लगभग 17,000 है और एक का जो है आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन के सामने, जो प्राइस आ रहा है वो फिलहाल का प्राइस है जब हम बना रहे हैं। आप जो है ये क्या है, ये पाइप कट रहा है, ये लॉक है, यहाँ पर एक छोटा सा दिया है, इसे हम हटा लेते हैं, अब खुल गया है ठीक है। इसमें आप UPVC पाइप, काईटेक पाइप वगैरह काट सकते हो, तो हम कॉपर को साइड कर देते हैं। आप यहाँ पर हम UPVC पाइप लेके आए हैं, इसमें आपका कितना mm है मालूम है, इसमें 25 mm तक है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं 25 mm काटेगा। हाँ आपका CPVC का 25 mm कट जाएगा, इसमें UPVC है, ये आपका 20 mm है, 3/4 है मतलब। चलिए हम इसे ट्राई करते हैं, इसे ऐसा कटिंग करना पड़ता है, ये कितना लेकिन तो दिखने में कमज़ोर दिख रहा है, अब कटिंग कितना अच्छा होगा वो हम देख लेते हैं। पहले पाइप को स्ट्रेट रखना पड़ेगा और एक हाथ में, वाओ ओ भाई साहब ये क्या है, इतना छोटा पाइप कटर, अगर हम बहुत सारा बड़ा बड़ा भी पाइप कटिंग में कटिंग किए हैं लेकिन इतना आसान हम देखे नहीं है, इतना आसान। ये एक टाइम में आप देख लीजिए, आप 1 inch का CPVC जो पाइप है ना, उतना तक आप इसे इजीली काट सकते हो, UPVC में आप 3/4 तक आपको आसानी एक हैंड में आपका कट जाएगा, बहुत अच्छा है बहुत मजबूत है। इसका जो प्राइस है कम से कम 5-6 हजार रुपया होगा, NIPEX का है, बहुत प्राइस हैवी है और लॉन्ग टाइम कितना जाता है वो हम देखेंगे और पार वीडियो में काम करेंगे, जब भी इसे इस्तेमाल करेंगे आपको दिखाएंगे ठीक है। ये हो गया हमारा UPVC, इसमें काईटेक का भी पाइप है वो भी हम कटिंग करके दिखाते हैं। चलिए ये काईटेक का पाइप है, चलिए ये देखिए, ये कटिंग मशीन का नहीं है, मतलब ये इस पाने का नहीं है, पहले का कटिंग है। अब देखिए वाओ वाओ देखिए, काईटेक में एक अपना जो है ना अंदर भी तावा जैसे रहता है, देखिए कितना फास्ट कट रहा है, आपको शायद
मुझे तो ऐसा लग रहा है यार, इतना छोटा चीज ऐसा कमाल का काम करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतना छोटा चीज। बैठा हूँ मारू। ओके आप एक चीज रह गया है, ये है अपना पीवीसी पाइप कटर। इसका सिस्टम आप देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है। इसे आप प्रेस कर, यहाँ देखिए ये मैं नीचे प्रेस कर रहा हूँ, ये नीचे प्रेस करूँगा, ये वाला जो है ये अंदर जाएगा, देखिए। ओके अंदर गया। आप और एक चीज़ है इसमें सिस्टम बड़ा छोटा करने के लिए, इसे आप दबाइए, इसे दबाकर आप आगे पीछे लेके जा सकते हो, पीछे लेके आ सकते हो, आगे के लिए तो डायरेक्ट साइड चले जाएगा, नहीं आगे में भी आपको प्रेस करके लेके जाना पड़ेगा। अब इसमें चलिए हम कटिंग करते हैं। कितना एमएम है, ये भी 50 mm का पाइप है। ओके 50 mm को हम यहाँ पर रखेंगे, अब अंदर नहीं जा रहा है, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसे हम प्रेस करेंगे, ठीक है। इसे प्रेस किए, अंदर गया, आप ये ऑटोमेटिकली टाइट हो गया। आप हम इसे घुमाते हैं, नहीं सही है। थ्रेड बन गया, देखिए मतलब ऐसा कटिंग हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हो रहा है। और एक जो है ना, हम लोग को ट्रीमार जैसे मारते हैं ना, उसे मारना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली आपका पूरा फिनिशिंग के साथ कटिंग दे रहा है। ये तो हमारा 50 mm का कटिंग किया है। आप इसमें हम अगर छोटा पाइप पतला पाइप ले लेते हैं, ये छोड़ दीजिए, ये हम ले लेते हैं 32 mm का पाइप। अब 32 mm का पाइप हम यहाँ पर रखेंगे, आप इसे हम क्या करेंगे आप, ओके हो गया। आप चलिए कितना टाइम जा रहा है वो देखते हैं हम, ठीक, नहीं ज़्यादा तो टाइम नहीं गया। हाँ लेकिन एक चीज़ है, आप एक्सो ब्लेड में भी उतना ही टाइम जाता है, जैसे कि ऐसा नहीं जो मशीन में बहुत फास्ट हो जा रहा है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा फैसिलिटी बहुत अच्छा है, VIP वर्क जिसे बोलते हैं। बाकी काम जो है आपका सेम दे रहा है, फिनिशिंग कटिंग हो रहा है, कुछ रफ वगैरह कुछ नहीं है, बिंदास आप कटिंग करिए, लगाइए, फिटिंग करिए। बाकी इतना सामान का जो दाम है आपका 60,000 से भी ज़्यादा इसका प्राइस है, मतलब इतने में आपका एक iPhone 13 आ जाएगा। बाकी ये सब प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, मज़ा आएगा। आने वाला टाइम में हम वीडियो में बताते रहेंगे आप लोगों को ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। ये सभी टूल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो, जाकर चेक करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए। फिर मिलेगी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।